दोस्तों पिछले कुछ टाइम से हमें ओनर की तरफ से काफी अच्छे स्मार्टफोन देखने को मिल रहे हैं मार्केट में, और अब ओनर लेकर आया है अपना ब्रांड न्यू स्मार्टफोन ओनर 8A, जो कि एक बजट रेंज का स्मार्टफोन होने वाला है, और इसे काफी अग्रेसिव प्राइस और जबरदस्त स्पेसिफिकेशन के साथ लॉन्च किया गया है। तो आप इस वीडियो का आगे देखते रहिए, मैं आपको इसकी पूरी डिटेल बताने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन, आप देख रहे हैं एंड टेक्निकल। दोस्तों ऐसी ऑल इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर भी जरूर प्रेस करें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों पिछले साल ओनर ने लॉन्च किया था एक बजट कैटेगरी का स्मार्टफोन ओनर 7A, और उसी का सक्सेसर अब कंपनी ने अनाउंस कर दिया है। अगर इसके फीचर्स पे हम नजर डालें तो काफी जबरदस्त और अग्रेसिव प्राइस के साथ इन्होंने लॉन्च किया है। तो इसकी प्राइस मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, जो कि काफी अग्रेसिव रखी गई है ओनर की तरफ से। तो बात करें अगर इसकी स्पेक्स की, तो आपको इसमें मिल जाती है 6 इंचेस की एक HD+ की डिस्प्ले, जो कि वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आती है, जिसका आज के टाइम पे ट्रेंड चल रहा है। और इसका एक्सपेक्ट रेशियो की बात करें तो ये आपको 19:9 एक्सपेक्ट रेशियो में मिलेगा। हाँ थोड़ी बहुत चिन मिलेगी दोनों तरफ, क्योंकि ऑब्वियसली बजट रेंज का एक स्मार्टफोन है। दोस्तों इसके कैमरास की बात करें तो इसके रियर में आपको मिल जाएगा 13 मेगापिक्सल का कैमरा, जो कि 1.8 अपर्चर के साथ आता है। तो आपको इमेज क्वालिटी भी काफ़ी ज़बरदस्त मिलने वाली है लो लाइटिंग में। अगर सेल्फी की बात करें तो वो आपको मिलेगा 2.0 अपर्चर का 8 मेगापिक्सल का कैमरा, तो सेल्फी भी काफ़ी अच्छी आपको ये क्लिक करके दे देगा। और अगर बात करें स्टोरेज वेरियंट की, तो एक मिलेगा आपको 3GB रैम 32GB रोम, दूसरा मिलेगा आपको 3GB रैम 64GB रोम, और इसमें आपको लेटेस्ट एंड्रॉयड 9 पाई मिलने वाला है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, और 3000mAh की आपको इसमें बैटरी देखने को मिल सकती है। दोस्तों इसे सिर्फ अभी चाइना में ही लॉन्च किया गया है कंपनी की तरफ से, ग्लोबल लॉन्च अभी इसका बाकी है, और जब ग्लोबल लॉन्च होगा तभी इसे इंडिया में भी लॉन्च कर दिया जाएगा, और उम्मीद ऐसी है कि इसे बहुत जल्द इंडिया में लॉन्च कर दिया जाएगा। और अब बात आ जाती है फ़ोन के प्राइस की, तो जो 3GB 32GB वाला वेरियंट है, अगर हम चाइनीज प्राइस को इंडियन में कन्वर्ट करते हैं तो वो आपको मिलने वाला है 8000 रुपये में, और जो 3GB 64GB वाला वेरियंट है वो आपको मिलेगा 10200 रुपये में, जैसी चाइनीज प्राइस सामने आई है। तो ये एक पहला स्मार्टफोन बन जाता है वाटर ड्रॉप नॉच वाला, जो आपको मिलेगा 8000 रुपये में। दोस्तों ऑल ओवर देखा जाए तो स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा लग रहा है अपनी प्राइस के हिसाब से। आपको 8000 रुपये में वाटर ड्रॉप नॉच वाली डिस्प्ले मिल रही है, एक बड़ा डिस्प्ले साइज मिल रहा है, और आपको एक प्रीमियम लुक भी मिलेगा। तो अगर आप ढूंढ रहे थे एक 8000 रुपये में अच्छा स्मार्टफोन, तो थोड़ा रुक जाइए, बहुत जल्दी ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होगा, और जब भी ये लॉन्च होगा उसका अपडेट मैं आपको अपने चैनल पर ज़रूर दूंगा। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बेल बटन को भी इनेबल कर दीजिए, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।